स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हेमरेज क्लासेस। फटाफट से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, जो मैंने जहाँ पे अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी। ठीक है, तो इधर से हमें सॉइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि जो कुछ सॉइल के टाइप्स थे जो मैंने अपनी EVS की प्लेलिस्ट में, जो वीडियोस नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल में मैंने डाला है जो कंटेंट, उसमें ये वाले सॉइल्स नहीं मेंशन है ना। तो यहाँ पे इन सॉइल्स को भी कर लेते हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने को, सारी चीजें करते हुए चलनी है। तो स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन टेक्सचर। देखो, टेक्सचर के बेस पर सॉइल जो है सैंडी, सिल्टी और लोमी, इन में क्लासिफाई करा जाता है टेक्सचर के बेसिस पे कि कैसा टेक्सचर है उनका। सैंडी है, क्लेई है, तो चिकनी है, तो इस तरह से, मतलब टेक्सचर के बेसिस पर। बेस्ड ऑन कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज। बाकी अगर कलर देखा जाए, थिकनेस देखी जाए सॉइल वगैरह की हमारी, तो इनको हम अलग अलग सॉइल में बांटते हैं, जैसे एल्यूवियल हो गया, अपना ब्लैक सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल हो गए, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सॉइल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एल्यूवियल सॉइल आता है, और ये जो है 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री कवर करता है, यानी कि पूरी कंट्री जो इंडिया है अपनी, उसमें जो एल्यूवियल सॉइल है वो 40% हम कह सकते हैं कि एरिया पर 40% एरिया पे ये सॉइल है। एंटायर नदर्न प्लेन्स, जो आपका पूरा ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे ही इंडिया का पोर्शन है ना, ये पूरा ऐसे आता है जो भी है, तो ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, नदर्न प्लेन्स वाला पूरा इतना पोर्शन जो होता है, वो अपना क्या है न, इस वाले सॉइल से भरा हुआ है। एंड ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इन द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। आपको मेनली क्या याद रखना है कि ये नदर्न प्लेन्स में ज्यादा, इंटायर पूरे नदर्न प्लेन्स में एलिवल सॉयल मौजूद होते हैं। बाकी ये जो है अपने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो है अपनी, इनके डेल्टाज पर भी ये हमें मिलते हैं। फाइन, नेक्स्ट है आपका डिपॉजिटेड बाय हिमालयन रिवर्स। रिवर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और आपको पता है हिमालयन रिवर्स कौन सी है, तीन मेन, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है ना। तो ये जो एल्यूवियल सॉइल है, ये इन तीन रिवर्स, ये इन तीन रिवर्स के थ्रू डिपॉजिटेड जो होता है वो वाला सॉइल है। यानी कि देखो क्या होता है कि जो अपनी रिवर्स होती हैं, ये जब बहती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के बहने लगती हैं, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्स है, ये जाकर के डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है एक जगह जाकर के, पूरा बहती हैं, बहते साथ लेकर के जाती हैं पूरा, तो सॉइल को वहां पे डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो एलिवियल सॉइल है, ये तीन रिवर्स से डिपॉजिट हुआ होता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये पोटैश में रिच है, यानी कि इसमें पोटैश पाया जाता है अच्छा खासा, और फॉस्फोरस में ये पुअर है, यानी कि फॉस्फोरस कंटेंट इसमें कम रहता है। एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज बंगार एंड खादर। खादर, तो इसको हम एल्यूवियल सॉइल को बंगार और खादर दो में क्लासिफाई करते हैं। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है वो बंगार के नाम से जाना जाता है, और जो न्यू है वो खादर के नाम से। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ये सॉइल फर्टाइल भी है। देखो मेन इसमें पॉइंट्स जो है ना, वो यही है कि जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन आप बंगार मार्क करोगे। न्यू एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज खादर, ये मार्क करोगे ना। अगर आपसे पूछे इंटायर नदर्न प्लेन्स में कौन सा सॉइल मौजूद होता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूवियल सॉइल मौजूद होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं, इनके डेल्टाज पे कौन सा सॉइल फाउंड होता है, तो आपको पता होना चाहिए एल्यूवियल। तो देख रहे हो, इस तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, यही चीजें हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं आगे, कि ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल, पल्स क्रॉप। तो यानी कि ये जो सॉइल है, इसमें कौन कौन सी ग्रोथ जो है, कौन कौन सी ग्रोथ को ये, कौन कौन सी क्रॉप्स को ये फेवर करता है। सिंपल सी बात है, शुगर केन है जो वो एलिवियल सॉइल में अच्छे ग्रो करती है, राइस हो गया आपका, पैडी जिसे हम कहते हैं वो एलिवियल सॉइल, वीट, सीरियल, पल्स क्रॉप्स हो गई, तो ये सारी चीजें एलिवियल सॉइल में हमें, हम इनको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है इनका जो कलर है वो लाइट ग्रे से एश ग्रे तक का रहता है। एश ग्रे मतलब जो आपकी राख वाला कलर होता है ना, कोई चीज हम जला देते हो तो लास्ट में जो एश बचता है, तो एश ग्रे और लाइट ग्रे के तक के बीच का ये कलर रहता है अपना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बंगार है और खादर है,
फाइन, इसमें ओल्ड एलिवियल और न्यू एलिवियल, ये जो है ये ज्यादा फर्टाइल होता है, इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है ये। और ये जो बंगाल है इसमें कंकर नोड्यूल्स ज्यादा मौजूद होते हैं। कंकर नोड्यूल्स क्या होते हैं, देखो जैसे सॉइल होता है, सॉइल में कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके, और ज्यादा अगर प्रेजेंट होंगे तो उसमें से वाटर जो है बह जाएगा, ठीक है। कंकर नोड्यूल्स होते हैं, कुछ होते हैं, अगर आपके सॉइल में ज्यादा है तो जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होगी ना सॉइल की वो कम होगी, यानी कि पानी उसमें से निकल जाएगा। तो ओल्ड एलिवियल सॉइल में कंकर नोड्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है, जैसे यहाँ पे ये मोर फर्टाइल है ना, खादर सॉइल आपका मोर फर्टाइल है, तो बंगार जो है, बंगर बंगार जो भी कह लो, ये ओल्ड एल्यूवियल हो और ये फर्टाइल इतना नहीं होता। ये क्यों नहीं फर्टाइल होता, देखो इसमें कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट है जो कि बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे हम कह देते हैं, और जिसकी वजह से इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फर्टाइल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंकर नोड्यूल्स जो है हाई कंसेंट्रेशन में किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन से सॉइल में, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब काला मिट्टी, काली मिट्टी, अभी इसमें देखो क्या है, कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, एपी दैट इज आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको ये देखो सब याद रखना पड़ेगा, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि ब्लैक सॉइल इनमें से किस स्टेट में है, तो कुछ भी ना देकर एक गुजरात दे दिया जाए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, तो उसमें आपको गुजरात मार्क करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑप्शंस ऐसे हैं। अगर आपको दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज कवर्ड विद विच टाइप ऑफ सॉइल, तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, ब्लैक सॉइल। तो आपको समझ गया, आइया, ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल, इसको रेगर रिगर जो भी आपको बोलना चाहो बोल लो भी कहते हैं, और या फिर इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, इसकी वजह से कहते हैं, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो सॉइल इस ऐसे क्वेश्चन, सॉइल सूटेबल या बेस्ट या आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज दैट इज ब्लैक सॉइल, इसीलिए सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इजी है भाई, इजी, सब कुछ कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है रिच इन लाइम, आयरन, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, पोटैश, इन सब में ये रिच होता है, पुअर ये फास्फोरस में है, और कलर इसका डीप ब्लैक से ग्रे होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ब्लैक सॉइल हो गया मेड अप ऑफ क्लेई मटेरियल एंड वेल नोन फॉर होल्डिंग वाटर, अच्छा खासा ये पानी होल्ड अपने अंदर कर लेता है, ठीक है। जैसे हमने एल्यूवियल सॉइल में पढ़ा कि ओल्ड नहीं कर पाता, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी कम है, और जो अपना कौन सा ओल्ड वाला जिसको हम बंगर कह रहे हैं, बंगर ना खादर, बंगर बंगर था, और खादर में फर्टाइल ज्यादा, अच्छा खासा फर्टाइल है, और तो उसको तो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये तो हो गया ब्लैक सॉइल का काम। नेक्स्ट आते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल पे। देखो रेड एंड येलो सॉइल जो है अपना अपना कलर लेते हैं, रेड भी होते हैं ये, येलो भी होते हैं, रेड किसी वजह से होते हैं, येलो किसी वजह से होते हैं। मेन पहले हमें ये चीज देखनी है कि ये डेवलप कहाँ होते हैं, ये डेवलप होते हैं ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। तो जहां पे भी आपको रॉक्स जैसा सॉइल में दिखे ना कि भाई इस रॉक पे कौन सा सॉइल, तो आपको रेड एंड येलो सॉइल ही मार्क करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें इतना वो जोर लगाने वाली बात नहीं है। इसमें आपको कहना है कि जो इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, रॉक्स आपको पता है इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो ये जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे ये डेवलप होते हैं, और एरिया लो रेनफॉल वाला एरिया रहता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर हमने ब्लैक सॉइल में पढ़ा था कि कवर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब एंटायर डेक्कन पार्ट जो है वो ब्लैक सॉइल कवर करता है, अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा। यहां हमें बोल रहे हैं कि डेक्कन पार्ट का, डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा, उसका ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ये कवर करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट कौन सा, एक तो ईस्ट इस साइड वाला पार्ट हो गया, और साउथ नीचे वाला पार्ट हो गया। तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है कुछ इस तरह से, प्लेट्यू रीजन कुछ इस तरह से बना होता है ना, ये अपना इस तरह से होता है, जो भी है, देखो अर्थ हमारी इंडिया ऐसी नहीं दिखती है, पर फिर भी शेप समझ लेना। तो जो
सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि डेक्कन प्लेटियो का ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, तो इस कहीं एरिया में एक तो ये सदर्न पार्ट तो ये है ही, ऊपर से ईस्ट वाला एरिया है ना। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल की बात जब हम कर रहे थे, कवर्स ऑलमोस्ट एंटायर, ब्लैक सॉइल जो है पूरा डेक्कन कवर करता है एंटायर, तो आप कह सकते हो कि ये पूरा पार्ट जो है इस तरह के पूरा पार्ट जो है ये ब्लैक सॉइल का होता है। ये वाला जो पार्ट है ये रेड एंड येलो सॉइल का, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन। नेक्स्ट है रेड कलर, इसका क्यों होता है? रेड कलर इसका होता है क्यों? क्योंकि आयरन इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जहां आयरन इन्वॉल्व होता है रेड कलर आ जाता है भाई। आयरन रेड ये आपको पता ही है। तो सिंपल सी बात आपको, क्योंकि देखो डीप हमें स्ट्रक्चर नहीं समझना, पूरा पूरा रॉक्स कैसे बनते हैं, सॉइल कैसे बनता है, इसमें आपको करना है रेड कलर फॉर्म होता है जो, वो ड्यू टू द डिफ्यूजन, आयरन का डिफ्यूजन होता है रॉक्स पर। और वो रॉक्स कौन से होते हैं? वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो ये जो रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, इन पे होता है डिफ्यूजन आयरन का जब, तो ये रेड कलर देता है। और यही डिफ्यूजन जब थोड़ा सा हाइड्रेटेड वाटर वाली फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो ये येलो कलर दे देता है। सिंपल आपको इतना याद रखना है। पुअर है ये किस में? नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में एंड ह्यूमस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड रेड एंड येलो सॉइल जो होते हैं वो फर्टाइल हैं, कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको ये पता है ना फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, मतलब फाइन ग्रेन बिल्कुल बिल्कुल जो सॉइल जो हम जो मिट्टी बिल्कुल होती है, जो हम पेड़ पौधों में डालने के लिए मिट्टी लेके आते हैं ना, वो लगा लो, अब बिल्कुल मिट्टी है उसमें, तो वो एकदम फाइन ग्रेन है। और जो कोर्स ग्रेन है उसमें थोड़े थोड़े आपको पत्थर नजर आएंगे, वो होता है कोर्स ग्रेन, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़े, लेटराइट सॉइल पे बढ़ते हैं। और अगर आप देखो ये जो चीजें हैं ये आप मैप से भी समझ सकते हो, मैप में अगर मैं उसको दिखाऊं आपको, तो अगर मैं दिखाती हूँ तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब आप देखो इधर ध्यान से देखना, मैंने ये आराम से आपको लिखा हुआ है, ये पूरा मैप बना हुआ है, आराम से आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। जैसे अभी फिलहाल हमने रेड एंड येलो सॉइल की बात करी थी, और उसमें बात करी थी कि डेक्कन जो रीजन है, जो डेक्कन रीजन है उसका ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट है किसमें? रेड एंड येलो सॉइल का। तो देखो डेक्कन रीजन क्या है? डेक्कन रीजन पूरे ट्रायंगुलर शेप वाला है, मैं आर कंट्री में भी बता चुकी हूँ, प्लेट्यू वाला रीजन, तो ये डेक्कन प्लेट्यू उसी में आता है। तो ये इतना जो पोर्शन है आपका पूरा ना, ये आपका प्लेट्यू रीजन है, तो डेक्कन इसी में आता है, यहीं पे कहीं डेक्कन है आपका, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा तो यहाँ पे जो मैंने बोला रेड एंड येलो सॉइल, मैंने क्या बोला, बुक ने बोला ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, यानी कि ये तो सदर्न पार्ट तो है ही, इसमें देखो देखो ये देख लो रेड एंड येलो सॉइल कैसा दिख रहा है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूरा आप पोर्शन देख सकते हो, और ये ईस्टर्न पोर्शन पूरा आप देख सकते हो, ठीक है, ईस्टर्न और सदर्न पोर्शन पूरा आपका रेड एंड येलो सॉइल कवर करता है। फाइन, समझ आ गई ये चीज आपको? जैसे हमने बात करी थी अभी एलुवियल नहीं, किसकी बात करी थी, ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल की जब हमने बात करी, तो ब्लैक सॉइल की देखो ग्रे पोर्शन है थोड़ा सा, और ये हमने बात करी थी कि एंटायर डेक्कन रीजन ये कवर करता है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से पूरा एंटायर ही हो गया एक तरह से, छोटा पोर्शन सा यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल का, बाकी ये देखो आप अगर आप, तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल नजर आएगा। इसी तरह से जब मैंने बात करी थी, हमने बात करी थी एल्यूवियल सॉइल की, तो नदर्न प्लेन्स में आपको नजर आ रहा था, तो ये आपका ये चीज आप देख सकते हो, ये जो चीज है ये आपका एल्यूवियल सॉइल है। समझ गए आप इस चीज को? बस आपको एरियाज बहुत इजीली याद हो जाएंगे अगर आप इस मैप से चलोगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे लेटराइट सॉइल की। देखो लेटराइट सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर है, जिसका पीएच जो है 6 से कम रहता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, फाइन, एंड मेनली डेवलप्ड इन हायर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये चीज भी याद रखनी है, फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो वही प्लेट्यू रीजन आपका आगे जो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में आपका यहाँ पूरा पूरा पोर्शन, इसका जो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट कहाँ थी? आर कंट्री में हमने पढ़ लिया, वेस्टर्न घाट यहाँ पे थी और ईस्टर्न ईस्टर्न यहाँ पे थी। तो ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न घाट में लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। फाइन, तो
ओके अब नेक्स्ट आते हैं कि टेम्परेचर इसमें हाई रहता है। देखो लेटराइट सॉइल में टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल हाई रहती है सॉइल में, उसमें उन एरियाज में लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है, फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लीचिंग से कौन सा सॉइल आपका बनता है, तो लेटराइट सॉइल मतलब लीचिंग क्या होता है। देखो जब रेनफॉल ज्यादा होती है, देखो यहाँ पे एरिया लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, तो रेनफॉल ज्यादा है, तो रेनफॉल ज्यादा की वजह से क्या होता है, जो सॉइल का जो अपर पोर्शन है ना, ये जैसे सॉइल है आपका, तो इसका अपर टॉप मोस्ट जो सॉइल है वो वाटर की वजह से, रेनफॉल इतनी है तो वो वॉश ऑफ हो जाता है, यानी कि वो वहां से बह जाता है, तो इसी को लीचिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो जो हमें सॉइल मिलता है वो लेटराइट सॉइल होता है फिर। तो हे भगवान, ये आपको देखना है कि लेटराइट सॉइल फॉर्म ड्यू टू लीचिंग, नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन का जो है, इस सॉइल में जो है कल्टीवेशन इतना नहीं होता, सूटेबल नहीं है ये कल्टीवेशन के लिए। हालांकि किसी भी चीज़ ऐसा तो हम छत पे भी अपनी खेती बाड़ी करना चाहे तो कर सकते हैं ना, तो कुछ प्रोसेस से अगर हम चाहें तो यूजफुल है ये ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि टी एंड कॉफी को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल काफी हद तक यूजफुल है। दीज सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन में भी काम आते हैं। फिर ये रिच है आयरन ऑक्साइड में, पोटैश में, एल्यूमिनियम में, पुअर है ये नाइट्रोजन में, फॉस्फोट में, कैल्शियम फॉस्फेट में, कैल्शियम में, ऑर्गेनिक मैटर में, और ये ह्यूमस कंटेंट में भी वो है क्या, पुअर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पता है, आपको याद होगा सॉइल में मैंने पढ़ाया था कि जो टॉप जो लेयर है उसमें ह्यूमस कंटेंट होता है ना, तो अब ये हमारे पास टॉप लेयर ही नहीं है सॉइल की, तो ह्यूमस कंटेंट तो पुअर हो ही जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है। समझ आया आपको लेटराइट सॉइल, इजी था ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो अब इन काफी आसान सा है, एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी होता है ये टेक्सचर में और सलाइन होता है ये नेचर में, इट लैक्स ह्यूमस भी, ह्यूमस और मॉइस्चर कमी होता है, और लोअर होरिजन्स ऑफ द सॉयल ऑक्यूपाइड बाय कंकर ड्यू टू द इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कैल्शियम कंटेंट। इसमें क्या है, देखो आपको पता है जो सॉयल है आपकी, उसमें आपने मैंने आपको पढ़ाया था, ईवीएस प्लेलिस्ट में है सॉयल का मेंशन है, आपको देखना होगा वीडियो, देखो वहां से जाके, इंपॉर्टेंट है। तो सॉयल की लेयर्स होती है ना, लेयर्स होती है, तो जो ये टॉप लेयर हो गई जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है, फिर ये बीच वाली लेयर, फिर और लेयर, फिर और लेयर जो होती है पूरी, फिर नीचे बिल्कुल पेरेंट रॉक आ जाती है, बेड रॉक जिसे हम कहते हैं। तो ये जो लोअर होरिजन्स है ना, ये जो लोअर है निचला जो लेयर्स हैं आपकी सॉइल की, वहां पे कंकर नोड्यूल्स मिलते हैं ठीक है, और क्यों मिलते हैं, वहां पे कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, आपको इतना याद रखना है इसमें कि कंकर जो एरिड सॉइल में लोअर होरिजन्स में आपको कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किस वजह से वहां पे कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो आपको सिंपल बोलना होगा कैल्शियम कंटेंट का इंक्रीज हो जाता है वहां पर, इस वजह से आपको कंकर नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। हाई टेम्परेचर और लोअर रेनफॉल रहती है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका, आएगा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल का क्या है, फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। देखो फॉरेस्ट सॉइल को हम माउंटेनियस सॉइल भी बोलते हैं। लोमी होता है ये टेक्सचर में, इसमें लो ह्यूमस कंटेंट है और एसिडिक होता है ये नेचर में ठीक है। तो ये सॉइल आप एक बार पढ़ लेना, दोबारा से नोट्स बना लेना इसके अच्छे से, आप कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे रिसोर्सेस के ऊपर जल्दी जल्दी। फाइन, क्वेश्चन नंबर वन, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हमारे पास खूब सारा है जरूरत के लिए, पर लालच किसी जबरदस्ती कोई फालतू में यूज कर रहा है उसके लिए हमारे पास नहीं है। तो ये किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर टू आता है, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज प्लेन्स, यानी कि प्लेन एरियाज जो हैं वो हमारा इंडिया का बहुत जबरदस्त फीचर है, कि ये लगा लो प्लेन एरियाज है ना जहाँ हम जैसे इंसान रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रिसोर्सेज के लिए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, तो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये ट्रू है क्या, ये ट्रू नहीं है। और नेक्स्ट है, दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये भी ये ट्रू है। ऑल दोज थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर रिसोर्सेज, नहीं जरूरी नहीं है। और डी है, थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज टू फुलफिल आर नीड्स, क्या रिसोर्सेज वो हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करते,
जी नहीं, रिसोर्सेज हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों गलत हैं, सिर्फ बी वाला ही नजर आता है सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर, विच सॉरी व्हाट परसेंट ऑफ आवर लैंड, हमारे लैंड का कितना प्रतिशत भाग शुड बी अंडर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 में एक पॉलिसी आई थी जिसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जिसको कहते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ठीक है, ओके देखो रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो रहे थे, जो तो रिसोर्सेज इतने ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो रहे थे, तो उसको कंटेन करने सॉरी कंटेन उसको कंट्रोल करने के लिए एक अर्थ समिट होती है, कहाँ पे होती है वो पूछा गया है, तो रियो डी जेनेरो में होती है 1992 में। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड, इनमें से कौन से ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको बताना है टेरिस कल्टीवेशन कहाँ प्रैक्टिस होता है, उत्तरांचल में होता है। टेरिस कल्टीवेशन क्या है, देखो सिंपल वो है आपका सिंपल, ये सॉइल कंजर्व करने का एक मेथड है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सॉइल की ही वीडियो में, सॉइल ईवीएस में। देखो बार बार एक चीज रिपीट करनी भी ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने वो चीज यहाँ पे रिपीट नहीं करी है। आपको ये चीज देखनी है, आप प्लेलिस्ट खोलो फटाफट, क्योंकि आप ईवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। उत्तरांचल, क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, हमारे अर्थ का कितना परसेंट वाटर पे है, वाटर है, तो 75% है, जिसको हम 3/4, कहीं आपको 3/4 लिखा दिखाई देगा, कहीं आपको 75% दिखाई देगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना जिनकी मैथ्स बिल्कुल डब्बा है, तो वो कंफ्यूज हो जा सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट कि फ्रेश वाटर कितना है, तो 2.5% है। नेक्स्ट आते हैं हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ, कितना अर्थ का कितना परसेंट ओशन, कितना सरफेस, यानी कि ये पूछा गया है यहाँ पे। देखो यहाँ दो क्वेश्चन आते हैं, अब ये दो क्वेश्चन आप देखो, ये दो क्वेश्चन आते हैं, ये बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कितना अर्थ का सरफेस ओशन सरफेस है, तो वो 70% ओशन है। अब ये नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि कितना परसेंट अर्थ का वाटर ओशन में है, तो वो 96.5% है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है ये आप याद है, एक में वाटर पूछ रहा है एक में सरफेस का है। टोटल डेडेड लैंड इन आर कंट्रीज 130 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन, झारखंड में माइनिंग ने बहुत जबरदस्त खराब किया लैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इज ओवर इरिगेशन, की वजह से लैंड खराब हो गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग आर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन हिली एरियाज। ठीक है, तो काउंटर है ये ना, देखो टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग ये दो मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, कहाँ पर, हिली एरियाज में, पहाड़ों वाले इलाकों में। अब मैं अगर आपको यहाँ समझाऊंगी तो देखो वीडियो टाइम ले लेगी, बात समझो इस चीज को, मैं समझा दूंगी पर आप वहीं देखो जाकर। देखो नेक्स्ट आते हैं, शेल्टर बेल्ट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग रोज ऑफ ट्रीज इन एरिड एरियाज। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट जो है इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम रोज में ट्री ग्रो करते हैं एरिड एरियाज में, तो शेल्टर बेल्ट आ गए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सॉइल आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट आएंगे, खत्म हो गया बस। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, सभी को पता है। नेक्स्ट आएंगे, आयरन ओर इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बिल्कुल सही है, आयरन ओर नॉन रिन्यूएबल है, मतलब भाई इसको रिन्यू नहीं कर सकते। टाइडल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल। क्वेश्चन नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेकन ट्रैप रीजन, डेकन ट्रैप में था, डेकन रीजन था ना, वो डेकन रीजन में ज्यादा सॉइल था ब्लैक, वही चीज है। व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, ठीक है, एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स, तो उसको कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया, तो इसको मैं यहाँ जरूर बताऊंगी। क्या होता है कि जैसे मान लो अपनी ये फील्ड है, तो इसमें इसमें हमने स्ट्रिप्स लगा दी, ठीक है, और ये स्ट्रिप्स जो है किसकी होती है, या तो छोटी छोटी घासों की होगी या कोई भी चीज की, ये स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन क्रॉप्स, तो यहाँ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं
ठीक है, यहाँ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे ये जो बीच की स्ट्रिप है ये लगी हुई है जिसमें जो ग्रास वगैरह की है, छोटी छोटी घासों की स्ट्रिप्स है। इससे क्या होता है, जो विंड आती है ना, जोर शोर से विंड आती है, उस विंड को ये जो घास लगी हुई है, जो घास ग्रो कर रही है, वो रोक लेती है। और जब वो विंड को रोक लेगी तो सॉइल बचा रहेगा, सॉइल उड़ के नहीं जाएगा, सॉइल पूरा बह नहीं जाएगा विंड के फ्लो के साथ, समझे। तो इसीलिए स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी खत्म हुए नेचुरल रिसोर्सेज के, और भंडार है क्वेश्चंस का, भंडार पूरा भंडार लेके आऊंगी जब मैं नेचुरल रिसोर्सेज खड़ाऊंगी। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म किया है, देखो। और नेक्स्ट बचा है आपका क्रॉप्स, या तो सोचो क्रॉप्स में आपको सीधे क्वेश्चंस ही कराऊं अब लास्ट में, बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह जाएगा तो मैं आपको वीडियो लेके आऊंगी, अदरवाइज अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम करेंगे अपनी ईवीएस में जो टॉपिक्स बचे हैं उनकी, ठीक है। ठीक है, तो वैसे क्रॉप्स की एक वीडियो आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि आएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो लास्ट वीडियो होगी अपनी साइंस की। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइस।